मामला ये है कि सर हमने 1 जून 1994 में एक प्लाट लिया था, हाँ उसकी एडजेसेंट एक हमारा प्लाट था मनोहर वगैरह का, उसको हम 20 साल से लगातार इंजॉय कर रहे हैं। उसमें से हमारा पानी निस्तारी पानी जा रहा है, पौधे लगाए हुए हैं, कपड़े सुखाते हैं और बिल्डिंग मटेरियल भी हमने इकट्ठा किया हुआ है। इन्होंने सर 1994 के बाद मई 16 में हमारे 120 वर्ग निस्तारी प्लाट को इन्होंने दबा लिया। वो प्लॉट किसका था? वो प्लाट है मनोहर वगैरह का सर। उन्होंने 20 साल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना कभी आए देखने, ना ये कहा कि आप यहाँ से हट जाओ। तो वो बिल्कुल सर हमारा एंजॉयमेंट था, ओपनली अनइंटरप्टेड एंड फॉर कंटिन्यूस फॉर 20 ईयर्स विदाउट एनी इंटरप्शन। रिकॉर्ड आ गई किसका? तो उसके बाद सर इन्होंने झगड़ा किया 22 साल बाद। और ये डोमिनेंट ओनर नहीं है सर इसमें, हाँ और जबकि उसका नियम है सर कि डोमिनेंट ओनर ही सर्बियन हेरिटेज का वो एंजॉयमेंट कर सकता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये इनक्रोचर है। कैसे इनक्रोचर है? इन्होंने जो हमारा प्लाट है उसकी साउथ में मनोहर बाजारा का प्लाट है, हाँ उसको इन्होंने इनक्रोच कर लिया। इनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो इन्होंने जो WS दिया था बिल्कुल झूठा है सर। उसके साथ ना तो इन्होंने शपथ पत्र दिया है, एफिडेविट, आपके और पास ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है? चाइल्ड कोर्ट का आर्डर सर उसने नहीं आई। नहीं ट्रायल कोर्ट में गवाही वगैरह हुई थी उसकी कौन हाँ, सी? चाइल्ड कोर्ट में इन्होंने कोई गवाही भी नहीं दी अपने। आपके आपका क्या गवाही हुई थी बताइए, और क्या गवाही हुई थी क्या इनकी? उन्होंने गवाही नहीं दी सर, हमने पूरी गवाही दी और अपना रजिस्टर विक्रयनामा लगाया है इस, और उसमें सब कुछ दिया है कि कौन सा खसरा नंबर है, कौन सा खसरा नंबर है। खसरा नंबर तो गवाही में नहीं याद रहता है सर, वो खसरा नंबर का बहाना बना के इन्होंने खारिज कर दिया। और ये बोल रहे हैं कि आप उसकी कमजोरी के फायदे में सर, पूरा का पूरा WS झूठा है। अब काई की कमजोरी इसमें, और इन्होंने ये भी नहीं बताया किस कमजोरी का फायदा उठाया है। तो हमारा निवेदन ये है सर कि ये ना तो डोमिनेंट ओनर है और ना इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन लिया 20 साल के अंदर, जबकि जो ओनर है उसने, जो सर्वेंट हेरिट ओनर है उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। और इसलिए हमने सर ये बाद लगाया है। बाद लगाने के बाद उन्होंने बोला है कि हमारा जो एविडेंस है वो अखंडनीय है, नॉन रिबिटेड। तो भी ये सर हमारे खिलाफ जजमेंट देते हैं, पर जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है सर वो यही है कि एक तो ये बोल रहे हैं कि वीकनेस का फायदा उठाया। हमने कोई वीकनेस का फायदा नहीं उठाया, इन्होंने झूठा WS फाइल किया है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपने कोई सबूत नहीं दिया सर। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट, कोर्ट ने उसको देखा ही नहीं है बिल्कुल। और ये बोल रहे हैं कि 97 से उसने कंस्ट्रक्शन किया सर। मनोहर वगैरह जो हैं वो उनके आसपास की जमीन उन्हीं की है, तो जो हमारा प्लाट है उसके साउथ में इन्होंने बना लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं थी सर। लेकिन जो हमारा ईस्ट में हमारा जो निस्तारी प्लाट है वो भी मनोहर वगैरह का, वो हम 20 साल से ज्यादा समय से एंजॉय कर रहे हैं। उसमें इन्होंने टांग अड़ाई 2016 में, 22 साल बाद। हमने 1994 से हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हमको थोड़ा ये कारण बताइए कि आपकी जमीन नहीं है तो उसपे आप कैसे सुखाधिकार मांग सकते हैं? सर हम इजमेंट एक्ट देख लीजिए सर, इजमेंट एक्ट की धारा 4 बोलती हाँ बताओ। है, इजमेंट इज ए राइट इज द ओनर और ऑक्युपायर ऑफ सर्टेन लैंड पजेस एज सच फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट लैंड टू डू एंड कंटिन्यू टू डू समथिंग और टू प्रिवेंट एंड कंटिन्यू टू प्रिवेंट समथिंग बीइंग डन इन और ठीक अपॉन। है प्लीज दिस केस फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑन 13 दिसंबर, 13 महीना 13 दिसंबर। दिसंबर, धन्यवाद। हाँ, उस दिन आप बस के लिए तैयारी की आ जाइएगा। हाँ आप सर, ठीक है सर, थैंक यू। वकालत करते हैं क्या? हम वकालत करते हाँ, हैं। समझ रहे थे।
महासमुंद में करते हो ना आप? महासमुंद में वकालत करते हो ना? महासमुंद और भोपाल में ज्यादा करते हैं सर, है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा करते हैं। किसमें? भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भोपाल में? हाँ सर। तो यहाँ नहीं रहते क्या? यहाँ भी रहते, यही तो मकान है हमारा सर, महासमुंद में। क्या करते हैं भोपाल में? तो आप यहाँ महासमुंद में नहीं रहते क्या सर? महासमुंद में नहीं रहते क्या? हाँ सर, हम पहले सर्विस में थे SDO इरिगेशन में। हाँ। तो इस दौरान हमारा ट्रांसफर हुआ था सर। हाँ। तो हमने एक मकान ले लिया था। तो ठीक है, आप भोपाल में रहते हो? भोपाल में भी रहते हैं सर। हाँ ठीक।